नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रोजेक्टर का, जिसको खरीदे हुए मुझे 2 साल हो गया। इसको मैंने 29 दिसंबर 2021 को खरीदा था, तो 2021 तो ये मानो चला गया, लास्ट में खरीदा था। तो आप 22 23 2 साल इसको समझो कि इसको 2 साल हो गया मोटा मोटा। तो 2 साल के अंदर इसका कैसा रिजल्ट निकला वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इसमें कौन कौन से फीचर हैं और इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी है, इसको मैंने कितने में खरीदा और आज इसकी प्राइस कितनी है, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि 2 साल में मैंने जो इसका रिजल्ट देखा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खरीदने लायक है या नहीं, इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का। तो ये जेब्रोनिक कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर है ZEB LP 2800। ये फुल HD है, इसके अंदर आप 1280x720 की पिक्चर क्वालिटी में देख सकते हैं। और ये है 2800 लुम्स का है। लुम्स का मतलब मैं आपको विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं। लुम्स का मतलब होता है कि जितना ज्यादा लुम्स का होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेटर दिखाई देगी। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं नीचे इसका पूरा ये। और अब बात करते हैं इसके फीचर की। तो इसके अंदर 2 HDMI का पोर्ट दिया गया है, जिसके द्वारा आप अपने पीसी लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टीवी रिसीवर एयरटेल का हो चाहे टाटा स्काई का हो। उसके बाद आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं। यदि आपके पास USB है और उसके अंदर गाने भरे हुए हैं तो उसको आप चला सकते हैं। एक आपको AV का पोर्ट मिल जाता है, जिसके द्वारा आप रिसीवर और CD/DVD को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपको AUX का पॉइंट मिल जाता है, जिसमें आप अलग से होम थिएटर लगा सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर है, आपको अलग से कोई स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप होम थिएटर को लगाना चाहते हैं तो AUX का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर अपना होम थिएटर लगा सकते हैं। पीछे की तरफ ये VGA का पॉइंट दिया गया है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस साइड में एक साइड में ये पावर केबल का दिया गया है, और ऊपर की तरफ ये ओके का बटन, लेफ्ट राइट और अप डाउन का बटन दिया गया है, मेन्यू का बटन दिया गया है और सोर्स का बटन दिया गया है। सोर्स मतलब कि आप किससे इसको चलाना चाहते हैं, USB HDMI AV वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और वॉल्यूम का बटन दिया गया है और ऑन ऑफ का स्विच बटन दिया गया है। ये यहाँ से आप पिक्चर को ऐसे टेढ़ा वेढ़ा सही कर सकते हैं। ये लेंस को बाहर निकालने के लिए है। जितना आप लेंस को बाहर निकालेंगे पिक्चर उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि फोकस ऐसे बिखर जाएगा। और इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में आपको एक ये रिमोट मिल जाता है, जिसके द्वारा आप किसी भी USB से गाना सुन रहे हैं तो उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं। और इसमें वॉल्यूम का बटन दिया गया है, एग्जेक्ट का है, ये मेनू का बटन है और ये सोर्स का बटन है। और एक आपको मिल जाती है पावर केबल साथ में, ये नॉर्मल केबल है। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा, लेकिन चला के दिखाने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूं। तो मैंने इसको 29 दिसंबर 2021 को 10,915 रुपये का खरीदा था। एक साल तक ये बराबर चला, एक साल के बाद इसका पावर सप्लाई जल गया, तो मैंने मार्केट से दूसरा डलवाया। और जब इसको 1.5 साल हुआ तो इसका लेंस में खराबी हो गई कुछ, जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्क्रीन पर काला काला धब्बा थाली जितना बड़ा दिखाई देता है। अभी भी मैं इसको चलाता हूं, लेकिन वो धब्बा है जो वो थाली जितना काला काला वो बीच में आ जाता है। तो एक व्यक्ति मान ली बीच में बैठकर कुछ बता रहा है तो उसका मुंह दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अब इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है वो आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, ये इसका स्टैंड है जिसको मैंने अलग से खरीदा था, आप देख सकते हैं।
इसको मैंने एयरटेल एक्स स्ट्रीम से कनेक्ट कर दिया है और दूसरी जगह ये पावर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, रिमोट की मदद से मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये ऑन हो गया है और सामने ये मैंने स्क्रीन लगा के रखा है, प्रोजेक्टर स्क्रीन। अब मैं बल्ब को बंद करता हूँ, चैनल लगाता हूँ एक, आप देख सकते हैं। मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसकी कितनी आवाज है। इस वॉल क्लॉक को बनाने में 5 साल की कड़ी मेहनत लगी है, जिसे सरकार से पेटेंट कराने के बाद उन्होंने राम लला को समर्पित किया। अनिल साधु ने राम मंदिर ट्रस्ट को ऐसी 3 घड़ियां दान में दी है। उनकी इच्छा है कि एक घड़ी राम मंदिर में, दूसरी हनुमानगढ़ और तीसरी अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो आवाज इसका काफी है एक कमरे के लिए। अब मैं आपको इसके फीचर के बारे में बताता हूँ। ये सोर्स का आप देख सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा नजदीक से आपको दिखाता हूँ। ये HDMI AV और ये USB, इसके द्वारा आप चला सकते हैं। और ये इसका मेनू है, इंग्लिश फैक्ट्री रिसेट का सिस्टम इस प्रकार से। और आप इसमें पिक्चर क्वालिटी, ऊपर की तरफ सेटिंग का बटन है, ये पिक्चर क्वालिटी सेट कर सकते हैं। इसमें आप रेडियो इस प्रकार से, और कम रेडियो करता हूं मैं, आप देख सकते हैं। और 16.9 के अंदर इस प्रकार से फुल आ जाएगा। तो मैंने डिस्प्ले साइज को 75 पर करके रखा है। मैं इसको 100% पर पूरा कर देता हूं तो ये मतलब इस कमरे में भी नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। 100% पर करने पर ये पिक्चर साइड में भी आ रहा है, इस प्रकार इधर भी आ रहा है, मतलब ये स्क्रीन से भी बाहर निकल जाता है। 9 फुट का कमरा है और ये स्क्रीन 6x4 फीट की है, जिसको मैंने 9,000 रुपये में अमेजन से खरीदा था। तो मैंने फिर से 75 पे कर दिया है।